देखिए, मानव नेत्र और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि मानव नेत्र और दृष्टि दोष से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। आपने देखा पिछली क्लास में कि इनके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में एक ही फॉर्मूला करीब करीब यूज होना है, और वो है लेंस फॉर्मूला। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। बहुत ज्यादा अगर होगा, लेंस की क्षमता वगैरह पूछ लिया जाएगा, तो P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बस आपको करना ये है कि क्वेश्चन जब पढ़ना है तो पढ़ना बहुत अच्छे से है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि U और V क्या दिया गया है, और उसके मुताबिक ही सॉल्यूशन आपका होगा। चलिए, कल पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल लगा लिए थे, ठीक है ना। आज 7वां न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो यह तो क्लियर ही है कि उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब निकट में 25 सेंटीमीटर भी दिखता है, और अधिकतम कहां तक देख लेता है, वो 2 मीटर दूर तक देख लेता है। 25 सेंटीमीटर तक की चीज भी दिखती है उसको, और आगे जाएगा तो 1 मीटर तक दिखेगा, 2 मीटर तक वो देख सकता है स्पष्ट। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता का लेंस उसको अपने चश्मे पर लगवाना पड़ेगा, मतलब किस प्रकृति, आपको नेचर भी बताना है उस लेंस का, और उसकी पावर भी बतानी है, जिस लेंस को वो यूज करके अपने इस दृष्टि दोष का निवारण कर सकता है, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। ओके, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। अगर वो अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है, तो ये क्या होना चाहिए उसका? ये होना चाहिए उसके प्रतिबिंब की दूरी, V इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर। कहने का मतलब यूं कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के और 2 मीटर दूर तक का तो उसका दिखता है, 2 मीटर से आगे का देखने में उसको प्रॉब्लम होता है। अगर कोई चीज उससे, उसकी आंख से 2.5 मीटर दूरी पर रखी है, फिर वो उसको नहीं दिखेगी, या 2 मीटर से और दूर रखी है तो नहीं दिखेगी। कहने का मतलब, अगर वो व्यक्ति मैं होता तो मुझे वो सामने की दीवार नहीं दिखती, मुझे पास वाला स्टूडेंट दिख जाएगा, पर दूर वाला स्टूडेंट मेरे को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुझे निकट दृष्टि दोष है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो सही दृष्टि कब मानी जाएगी? एक आदमी है जिसको 2 मीटर तक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, उसकी दृष्टि आप सही करवाना चाहते हैं, तो उसकी दृष्टि को कब मानेंगे कि सही हो गई? सही दृष्टि में होता यह है कि 25 सेंटीमीटर का भी दिखे और अनंत तक का भी दिखे। अब कौन सा उसको दिख रहा है? 25 सेंटीमीटर वाला तो दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? अनंत का। अगर उसको अनंत दिखने लग जाए ना, अनंत तक के डिस्टेंस तक वो क्लियर देखने लग जाए, तो उसकी दृष्टि मान लेंगे सही हो गई। समझ आ रहे हैं ना? तो हमको सही कौन सा करना है? दूर बिंदु उसका सही करना है। निकट बिंदु उसका तो ठीक है, अब दूर बिंदु सही करना है, मतलब हम चाहते क्या है एक्चुअली? एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा है ना, अनंत पे रखा है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज कहां बनना शुरू हो जाए? 2 मीटर डिस्टेंस पर बनना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि 2 मीटर तक दिखता है उसको। अगर किसी वस्तु का इमेज 2.5 मीटर पर बनेगा, फिर भी नहीं देख पाएगा वो। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे है, तो उसका इमेज 2 मीटर तक अगर बन जाता है, तो वो क्लियरली फिर देख सकता है उसका। तो हम ये चाहते हैं कि प्रतिबिंब 2 मीटर पर बने और वस्तु कहां पर हो? इन्फिनिटी पर, क्योंकि उसका निकट बिंदु सही है, दूर बिंदु आपको सही करना है। तो अगर आप चाहते हैं उसकी आंख का जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन पर आपको दूर बिंदु उसका सही करना पड़ेगा। तो यू कितना लेना है हमको? माइनस इन्फिनिटी। इसके बाद लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हमको लेंस की पावर पता लगानी है पहले तो, और लेंस का नेचर मालूम करना है कि किस नेचर का लेंस उसको यूज करना पड़ेगा। वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकते हो, क्योंकि उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के रेक्टिफिकेशन के लिए हम हमेशा अवतल लेंस का यूज करते हैं, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस का ही यूज करना चाहिए। फिलहाल लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बातें और ज्यादा क्लियर होके आएंगी सामने। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू से वन अपॉन वी माइनस टू
माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ये भले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बट वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से वन अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू मीन्स एफ इज इक्वल टू माइनस टू मीटर। ये उस लेंस की फोकस दूरी आई, और देखिए ये लेंस की फोकस दूरी कैसी आई है, नेगेटिव। नेगेटिव आने से एक चीज तो हम आपको बता सकते हैं, क्लियर हो चुकी है कि जो लेंस उससे अपने चश्मे पर प्रयुक्त करना चाहिए उस लेंस का नेचर कौन सा रहना चाहिए, अवतल लेंस उसको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी माइनस में आ रही है। दूसरी चीज, उस लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछी गई है। लेंस की क्षमता, पावर के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन एफ, जबकि एफ मीटर में मेजर किया जाना चाहिए, वन अपॉन एफ, एफ की जगह पर माइनस टू, तो पी इज इक्वल टू माइनस 0.5 डायोप्टर। दो से एक को भाग देंगे ना, 0.5 आ जाएगा। इस तरह से दोनों चीजें हमको पता लग गई, कौन कौन सी चीजें कि किस प्रकृति का लेंस चाहिए, तो लेंस हमको अवतल प्रकृति का चाहिए, और कितनी क्षमता का चाहिए, हमको चाहिए माइनस 0.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, उस व्यक्ति की आंख में अगर आप इतनी पावर वाला अवतल लेंस का चश्मा बना के लगवा देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति को दूर तक की चीजें भी दिखने लगेंगी, जो कि बिना चश्मे के केवल 2 मीटर तक देख सकता था, अब वो चश्मा लगाकर और दूर तक का भी देख लेगा, दूर वाले बच्चे को भी देख सकता है, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 8 नंबर पे। समझ आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूं हमने माइनस इन्फिनिटी क्यों ले लिया अपने आप से, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि वस्तु हम अनंत पर रख रहे हैं। पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इंसान को 2 मीटर तक का दिख रहा है, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट ना सही है, निकट बिंदु उसका सही है। और अगर आप उसका दृष्टि सही करवाना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ दैट आई, तो बहुत जरूरी है कि उसका दूर बिंदु सही करिए, क्योंकि दूर बिंदु नहीं उसका सही है, और दूर बिंदु कितने पर होता है, इन्फिनिटी पर। तो हम अनंत पर रखी वस्तु को भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ी आसानी से देख ले। तो बेसिक चीज है ना कि अनंत पर रखी चीज को अगर आप दिखवाना चाहते हो, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2 मीटर पर बन जाए, क्योंकि 2 मीटर तक उसको दिख जाता है। तो अनंत पर रखी वस्तु है और प्रतिबिंब कहां बनना है, 2 मीटर पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये एक बार समझ में आ गया ना आपको सही से, तो फिर तो न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं यार, इसके कठिन नहीं है, बहुत बहुत आसान है। 8 नंबर न्यूमेरिकल पर आ जाइए। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, बिना आगे परे में बता सकता हूं इसको, अगर प्रकृति पूछी गई है क्वेश्चन में, मैं भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं, अवतल लेंस ही लगाएगा ये आदमी, चश्मा बनाए चाहे से लिए घूमे, अवतल लेंस ही लगाना पड़ेगा उसको। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब 1 मीटर तक तो देख सकता है ना, 1 मीटर से दूर की नहीं देख सकता, 1 मीटर तक तो देख सकता है। समझ आ गया? कहां तक देखेगा? 1 मीटर की बाहर वाली देख लेगा, नहीं देख पाएगा। उसकी आंख से 1 मीटर डिस्टेंस नापिए, केवल वहां तक उसको दिख जाएगा, उसके बाहर आप कितना भी खड़े रहिए, खूब नाच गाना करिए, वो देख नहीं पाएगा आपको, स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब देखिए वो 1 मीटर तक ही देख पाता है, पर उसकी बड़ी इच्छा है कि वो अनंत तक की चीजें देखे, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा, चश्मा देना पड़ेगा उसको एक। चलिए देते हैं। कितनी फोकस दूरी और क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? फोकस दूरी और क्षमता आपसे पूछी जा रही है कि कितनी फोकस दूरी और कितनी क्षमता का लेंस उसकी आंखों के सामने चश्मे पर लगा दिया जाए कि बेचारा वो अनंत तक भी देख सके। तो ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे कि V कौन होगा और U कौन होगा यहां पर, क्या चाहते हैं आप, कहां की चीज कहां पर, कहां वस्तु रखी और कहां इमेज बन जाए उसकी। अनंत पर वस्तु रखी हो और हम चाहते हैं इमेज कहां बन जाए, 1 मीटर पर। अभी आपको समझ में आ गया? तो U की वैल्यू बताइए और V की वैल्यू बताइए।
यू माइनस इंफिनिटी वी माइनस वन मीटर, ठीक है। बस अभी आप लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू से वन अपॉन एफ, हमें पता लगाना है वी की जगह माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन अपॉन यू की जगह माइनस इंफिनिटी, ये माइनस वन प्लस जीरो, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और वन अपॉन इंफिनिटी जीरो बन गया, माइनस वन अपॉन माइनस वन ये माइनस वन हो गया। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको f इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन मीटर, f इज इक्वल टू आप पलट देंगे माइनस वन का रिवर्स भी माइनस वन ही आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू माइनस वन मीटर। इसका मतलब है कितनी फोकस दूरी का लेंस की आवश्यकता होगी, एक मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता होगी, और माइनस निशान क्या इंडिकेट करता है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो जब इस व्यक्ति का चश्मा बनवाया जाएगा ना, तो उसके चश्मे पर जो मैन्युफैक्चरर होगा वो एक मीटर फोकस दूरी का लेंस ढाल करके, और कौन सा लेंस ढाल करके, अवतल लेंस ढाल करके उसके चश्मे पर फिट कर देगा वो। और क्षमता भी बताइए, तो प्रयुक्त लेंस की क्षमता, प्रयुक्त लेंस की क्षमता पावर वन अपॉन एफ, जबकि f को मीटर में नापा गया हो, f p इज इक्वल टू वन अपॉन f, f इज वन मीटर, देन p इज इक्वल टू माइनस वन डायोप्टर। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति का दोष है या उससे क्वेश्चन ये बना हुआ है, उस व्यक्ति की आंख में एक मीटर फोकस दूरी और एक डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर दीजिए, अनंत तक का देखना शुरू कर देगा वो। समझ आ रहा है आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, नहीं इतने आसान आसान से क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9 नंबर है, लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और जब वो देखना शुरू करता है तो ज्यादा से ज्यादा वो अपनी आंख से 10 मीटर दूर तक की चीजें देख लेता है। अगर कोई वस्तु 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर रखी हुई है, फिर वो अपनी आंखों से नहीं देख पाता है, अपनी आंखों से नहीं देख पाता, दूसरा कोई बताएगा तो पता लगेगा कि कुछ है उसके आगे, नहीं तो अपनी आंख से नहीं देख सकता वो। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? हम चाहते हैं कि उसकी आंख की दृष्टि कैसी हो जाए, ठीक हो जाए, उसकी आंख की दृष्टि का रेक्टिफिकेशन हो जाए, जो ये डिफेक्ट आ गया है। तो सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताएं, आपने, हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सुना भी है, क्या होना चाहिए सही दृष्टि, कहां की दृष्टि सही करनी है? 25 सेंटीमीटर वाली सही करनी है या हमको इन्फिनिटी वाली दृष्टि उसको सही करनी है? इन्फिनिटी वाली दृष्टि सही करनी है, क्योंकि उसको उसकी आंख से लेकर और 10 मीटर दूर तक तो दिख जाता है ना सारा कुछ, 10 मीटर तक तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मीटर तक उसको दिखता है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम और आगे का है, इन्फिनिटी का उसको नहीं देख पाता, वो धुंधला उसको दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी दृष्टि सही हो जाए, तो 25 सेंटीमीटर तो दिख रहा है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका नियर पॉइंट जो है ना वो ठीक है, उसका बिगड़ा हुआ है केवल फार पॉइंट, तो आप दूर बिंदु उसका सही करवाइए। अब दूर बिंदु सही करवाने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि जो वस्तु अगर अनंत पर भी स्थित है, जो वस्तु उसकी आंख से काफी ज्यादा दूर पर स्थित है, उसका भी इमेज अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें, चश्मा लगा दें कि वो चश्मे पर जो लेंस लगे वो अनंत परिस्थित वस्तु का इमेज भी 10 मीटर पर आके बनवा दे। अब वस्तु कहां होगी? अनंत पर। इमेज कहां बनेगी? 10 मीटर पर, और 10 मीटर तक वो देख लेता है तो उसको दिख जाएगी चीज। तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं? एक्चुअली हम चाहते हैं कि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। इमेज कहां बने? 10 मीटर डिस्टेंस पर बन जाए, फिर उसकी आंख का जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब
हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई। लेंस फॉर्मूला आप सब जानते हैं और पिछले 8 क्वेश्चंस में वही यूज कर रहे हैं सभी में। 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v - 1/u। तो ये 1/f = -1/10, भले ये टर्म प्लस हो जाएगा पर 1/∞ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह से बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आएगी -10 मीटर। मीटर में यूज किया है ना, तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति की आंख में हमें 10 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने दो चीजें पूछी थी, उसे किस क्षमता का लेंस, अच्छा केवल क्षमता ही पूछी है तो फोकस दूरी आ गई है, क्षमता आप निकाल लीजिए। प्रयुक्त लेंस की क्षमता, प्रयुक्त लेंस की क्षमता, क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f, जबकि f को मीटर में नापा गया हो तो 1/f, f की जगह पर -10। पावर वगैरह निकालते समय f को निशान सहित आप यूज करिएगा और आंसर भी निशान सहित ही दीजिएगा। तो जब पावर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 डायोप्टर। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को हम -0.1 या 0.1 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना प्रिस्क्राइब करेगा उसका जो डॉक्टर होगा वो, और उससे उसकी आंख का जो डिफेक्ट है ये वो रेक्टिफाई हो जाएगा और अब बड़ी आसानी से वो अनंत तक का भी देख सकता है। अब देखिए एक चीज और इस क्वेश्चन पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि बच्चों को कंफ्यूज तो बहुत करते हैं, इस सब क्वेश्चन लिख दिया, पूरा क्वेश्चन हो गया, कोई जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी पार्ट है, पर उन्होंने लिखा सब कुछ लिखने के बाद किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, उसके बाद लिख दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। बच्चा बस इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है, वी तो लिख देता है -10 मीटर पर यू को वो -25 ले लेता है, समझ रहे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये दिया गया है तो इसका कहीं ना कहीं यूज करना है हमको। ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए और उसके हिसाब से ही आप उसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन के प्रवाह में मत जाइए, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, वो इसीलिए तो क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि आपका नॉलेज टेस्ट हमको करना है और हम देखना चाहते हैं कि क्या आप, हम क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और वाकई में आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखिए आप अपने आप पर कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, क्वेश्चन आपको कितना भी कोशिश करे कंफ्यूज करने की उसके फ्लो में आपको नहीं जाना है, समझ आ रहा है आपको, इसका कहीं यूज नहीं कर रहे हैं हम, फिर भी दिया जा रहा है ताकि हम आपको बहला सके, आपका रास्ता बदल सके कैलकुलेशन का। 10 नंबर पे है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तैयार है आप पढ़े, हम ये समझ आ गया आपको, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है और प्रकृति पूछेगा तो अवतल लेंस ही तो यूज करेंगे ना आप, लेकिन इत्तिफाकन की यहां पर प्रकृति नहीं पूछी जा रही है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो कि 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई पुस्तक रखी होगी तो वो ऐसा पुस्तक है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी पढ़ना चाहेगा 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखेगा और वो पढ़ सकता है। आगे लिखा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, और हम चाहते हैं कि कितने दूर रखकर हम पढ़ें, 15 सेंटीमीटर बहुत नजदीक हो जाता है यार, आप देखिए स्केल में कभी 15 सेंटीमीटर, ये मैं स्केल दिखाता हूं, बस इतना सा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, इतना सा डिस्टेंस, ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बस इतना। अब आप सोचिए एक आदमी अपनी आंख से इतनी दूरी पर चीजें रखता है तब तो देख पाता है, अब आप इतनी दूरी पर रख लो बहुत प्रॉब्लम होगा, इतनी दूरी पर रख के चीजों को पढ़ना इट इज टू डिफिकल्ट। तो हम चाहते हैं कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा हम बढ़ा लें, 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ सके आसानी से,
तो वो व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर का दिखता नहीं है, उसको तो 15 सेंटीमीटर तक का दिखता है। 25 सेंटीमीटर पर रख दो तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारे लेटर्स फिर उसको ब्लर हो जाते हैं, उसको दिखना बंद हो जाता है, धुंधला हो जाता है। लेकिन वो चाहता है ऐसा करना, क्योंकि इतना पास में रखकर पढ़ना बहुत कठिन काम है। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, एक तो कैसा लगाना पड़ेगा, तो कैसे का जवाब तो हम अवतल बता देंगे, क्योंकि शुरू से हमको पता चल गया निकट दृष्टि दोष है उस आदमी को। दूसरी चीज है, और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, तो वो जो लेंस यूज करेगा ना उसकी फोकस दूरी हम बताएंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करना। अब आप क्या चाहते हो बताइए, इसके पहले 9 सवाल आप लगा चुके हैं, इस पे आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, यू क्या लेना चाहिए, वी क्या लेना चाहिए, एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं बताइए भाई, क्या करवाना चाहेंगे आप? नहीं पता? पता है तो बताओ क्या करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाए, तो आपको आता तो है ना, तो बताइए U बराबर क्या ले लिया जाए, माइनस 25 सेंटीमीटर, और V बराबर क्या ले लिया जाए, माइनस 15 सेंटीमीटर। और फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V-1/U, ठीक है, 1/F इज इक्वल टू 1/V-1/U-25, ठीक है। अभी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस 1/25, अब 25 और 15 का एलसीएम क्या लीजिएगा बताइए, 75, ठीक है ना, बताते जाइएगा भाई, मैथमेटिकल पावर थोड़ा कमजोर है। 15 का भाग दीजिए इस पे, कितनी बार जाएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा, -5। 25 का भाग 75 में देके बताइए, 3 बार, तो 1/F -5 + 3 -2/75, देन व्हाट विल बी F, 75/-2, प्लीज डिवाइड कर दीजिए, -37.5 सेंटीमीटर में है ना ये, तो ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसके बारे में आप, कि जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को पकड़ के सवाल बनाया गया है, उस व्यक्ति की आंख में एक ऐसा चश्मा लगाइए जिस चश्मे पर 37.5 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा हो। तो दो चीजें पूछी थी, कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, तो कैसे का जवाब क्या देंगे आप, प्रकृति क्या होनी चाहिए लेंस की, प्रकृति होनी चाहिए अवतल लेंस, वेरी गुड। और फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होनी चाहिए। और कसम से एक बार ऐसा चश्मा बनवा दो ना इस आदमी को, पड़ेगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के वस्तु को, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, मतलब एक व्यक्ति है उसके सामने अगर हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक रख देते हैं फिर वो पढ़ सकता है, और अगर हम पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें तो व्यक्ति को चश्मा लगाना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, अगर हम पुस्तक को 20 के बजाय थोड़ा और दूर कर दें 30 पर रख दें फिर उसको चश्मा लगाना पड़ जाएगा। अब आपको गणना करनी है कि जो वो चश्मा लगाएगा इस काम के लिए कि दिखता 20 सेंटीमीटर तक है, पुस्तक 30 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ना चाहता है, इस काम के लिए, इस प्रकार के रेक्टिफिकेशन के लिए आपको गणना करनी है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, दूसरा प्रयुक्त लेंस का प्रकार कैसा होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, कौन सा लगाना पड़ेगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताएं यहां पर U की जगह पर क्या लेना चाहिए और V की जगह पर क्या लेना चाहिए, कितनी दूरी तक उसको दिख जाता है, 20 सेंटीमीटर दूरी तक दिख जाता है, और वो देखना कहां का चाहता है,
30 सेंटीमीटर दूरी का, इसका मतलब है ऑब्वियस सी चीज है ना कि हम चाहते हैं कि 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन जाए। क्यों? क्योंकि 20 तक का दिखता है उसको। तो अगर 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 पर बनेगा फिर वो उसको दिख जाएगा। तो वस्तु की दूरी कितनी लेनी चाहिए मुझे यहां पर? -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी -20 सेंटीमीटर। और इसके बाद लेंस फॉर्मूला 1/F = 1/V - 1/U। 1/F = 1/V, V की जगह पर -20, 1/U - 30। 1/F = -1/20 + 1/30। 30 और 20 का LCM 60, 20 से 3 टाइम्स में ये आएगा प्लस 2 टाइम्स में ये आ जाएगा। 1/F = -1/60, देन F = -60 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके जवाब में हम लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आप ले सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट पे हमसे क्या पूछा गया? लिखा है लेंस का प्रकार कैसा होगा। फोकस दूरी का निशान देख के आपको पता लगा, फोकस दूरी का निशान माइनस है ना, तो लेंस का प्रकार कैसा होगा बताओ? उत्तल होगा कि अवतल होगा? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। ठीक है, ये लेंस का प्रकार हो गया। अवतल लेंस 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बने चश्मे का अगर वो प्रयोग करेगा तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को भी बड़ी आसानी से वो पढ़ पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 नंबर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। अभी ये जो व्यक्ति है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है मतलब उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, मतलब दूर की चीज तो उसको दिख ही जाएगी, पास आते जाइए। तो जब आप उसकी आंख से 50 सेंटीमीटर दूर रह जाएंगे या उससे दूर रहेंगे तो आपको देख लेगा, लेकिन अगर आप 50 से भी थोड़ा अंदर आ गए फिर वो आपको देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आंख में दूरदृष्टि दोष है। तो होगा उसको धुंधला दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई है पर क्लियरली वो नहीं समझ पाएगा कि कौन है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। तो ये कम से कम 50 सेंटीमीटर का मतलब बहुआ आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या मतलब है इसका? वो दूर की दीवार दिख जाएगी कि नहीं दिखेगी उसको? दिख जाएगी। ये किताब पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। 60 सेंटीमीटर दूर हमने एक घड़ी रख दी, टाइम देख लेगा कि नहीं देख लेगा? देख लेगा। हमने 45 सेंटीमीटर पर एक घड़ी रख दी, अब देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मतलब 50 तक वो देख सकता है, 50 की इधर की चीजें उसको साफ नहीं दिखेंगी, 50 के उधर की चीजें उसको साफ दिखेंगी। ठीक है ना। अब ये बड़ी अच्छी चीज है, देखिए 50 के बाहर की चीजें उसको दिख रही हैं। कोई पॉकेट मार उसकी पॉकेट मार सकता है क्योंकि वो दिखेगा नहीं उसको, लेकिन कोई चोर आएगा दूर से ही दिख जाएगा उसको कोई आ रहा है तो देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब बताइए सही दृष्टि कैसे हो सकती है उसकी?
जब उसको पास की भी दिखने लगे, बिल्कुल सही है भाई, दूर की तो दिख रहा है ना उसको, तो उसका जो दूर बिंदु है, उसका जो फार पॉइंट है, वो तो ठीक ठाक है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना उस पे। अगर उसका प्रॉब्लम में कोई है तो वो है नियर पॉइंट, उसका नियर पॉइंट उसको जो है वो उसका प्रॉब्लम में है, वो परेशानी में है, निकट बिंदु उसका स्पष्ट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी दृष्टि सही हो जाए तो दूर बिंदु वो देख रहा है उसका आप कुछ मत करिए, पर निकट बिंदु दिखवाइए उसका। निकट बिंदु दिखवाइए मतलब निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा लेंस का चश्मा बना के उसकी आंख पर रखा जाए जिससे उसको 25 सेंटीमीटर तक की चीजें भी दिखना शुरू हो जाएं। तो अब हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली पूरे क्वेश्चन का निचोड़ मैंने आपको बता दिया है, अभी आप मुझे बताइए एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या करना चाहते हैं आप एक्चुअली। हम चाहते हैं, आप नहीं बताओगे मुझे पता है, एक्चुअली हम चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम जो वस्तु रखें उसकी इमेज कहां बन जाए, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए, और 50 सेंटीमीटर दूरी का उसको दिख जाता है, ठीक है ना। तो यही हम चाहते हैं। अभी आप बताइए वस्तु की दूरी किस कितनी होगी, -25 सेंटीमीटर, और v कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। करना क्या है, क्षमता पता लगानी है, पर फोकस दूरी तक पहले पहुंचना पड़ेगा हमको। तो लेंस फॉर्मूला 1 upon f = 1 upon v - 1 upon u - 50, माइनस यू की जगह -25। 1 upon f = -1 upon 50, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस 1 upon 25। तो 1 upon f = इसमें 50 LCM हो जाएगा, तो -1 + 2 - 1 + 2 - 1, 25 × 50, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 upon f = 1 upon 50, f = 50, और डिस्टेंसेस जो कि हमको दी गई हैं वो सेंटीमीटर में है, तो f भी काहे में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी का निशान देखो प्लस आ रहा है, फोकस दूरी का निशान प्लस आ रहा है ना, और प्लस आना इस बात का संकेत है कि उसकी आंख पे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है, उत्तल लेंस की जरूरत है। और वैसे भी क्वेश्चन को पढ़ के भी पता चल रहा है, क्योंकि उसकी आंख पर दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आपको किस प्रकार का लेंस यूज करना रहता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी से बने उत्तल लेंस का यूज करके अगर एक चश्मा बनाया जाए और फिर वो चश्मा उस व्यक्ति की आंख में रख दिया जाए, तो उस व्यक्ति को दृष्टि जो होगी वो सही हो जाएगी। क्या पूछा था उसने, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का, ओ क्षमता पूछी जा रही है। तो प्रयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लीजिए, प्रयुक्त लेंस की क्षमता power = 1 upon f अगर मीटर में है, और अगर सेंटीमीटर में है तो फिर 100 upon f लगाइए आप, आप 100 upon f when f is in centimeter, 100 upon f की जगह पर 50, p = 2 diopter। तो 2 diopter क्षमता का लेंस, उत्तल लेंस अगर उसकी आंख पे लगा देंगे, निशान लगाना नहीं भूलिए क्षमता में, 2 diopter क्षमता का अगर उत्तल लेंस उसकी आंख पे लगा दिया जाएगा तो उसकी दृष्टि जो होगी वो बिल्कुल से सही हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आप नोट कर लीजिए और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे लिखा हुआ है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। देखिए इसमें आज अवतल लेंस के बारे में बताया गया है, और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 37.5 सेंटीमीटर है। सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है,
देखिए, अगर वो अवतल लेंस की सहायता ले करके पुस्तक पढ़ रहा है तो जरूर उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि अवतल लेंस की सहायता तभी लेता है व्यक्ति जब उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। 37 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, एफ, मतलब एफ से लिखते हैं, पर नेगेटिव ली जाती है, -37.5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति और किताब कितनी दूर रखी है, तो ये क्या होगा, ये होगा वस्तु की दूरी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -25 सेंटीमीटर। दृष्टि में कौन सा दोष है, तो ये तो हम पहले ही बता सकते हैं कि अगर उसने अपनी आंख में जो भी दोष है उसका रेक्टिफिकेशन अवतल लेंस का यूज करके किया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष रहा होगा। उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यह वी के बारे में आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। आपको v निकालना है तो 1/v = ये इधर भेज दीजिए, 1/f + 1/u। f की जगह पर -37.5 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, u की जगह पर -25 सेंटीमीटर लिखा जाएगा और सॉल्व होके आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्या आप कर पाएंगे, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसे आप खुद सॉल्व करिएगा। दोष कौन सा आंख में है, निकट दृष्टि दोष लिख लेंगे आप। अच्छा, दूसरा इसका जो आंसर आएगा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, वो आंसर हम बता देते हैं, आंसर होगा -15 सेंटीमीटर पर। इसको कैलकुलेशन आपको करना है, बस एफ की जगह एफ का मान, यू की जगह यू का मान, सिंपल सा भिन्न वगैरह सॉल्व करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। इसका मतलब है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर अगर नजदीक आते जाएंगे तो उसको स्पष्ट दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। और नजदीक में भी कहां तक दिख जाता है उसको, 150 सेंटीमीटर तक दिखता है। दूर की चीजें देख लेगा, आप अगर पास आते जाएंगे तो जब आप उसकी आंख से 150 सेंटीमीटर दूर रह जाएंगे ना और उसके अंदर जब आ जाएंगे फिर उसको धुंधले दिखने लगेंगे आप, उसके बाहर तक आप साफ दिखेंगे उससे, तो ये उसका निकट बिंदु है। इसका उन्होंने बोला निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब समझ पाए ना आप कि उस व्यक्ति की आंख से अगर कोई दूसरा व्यक्ति 150 सेंटीमीटर दूरी पर है या उससे अधिक दूरी पर है तो वो उसको क्या कर लेगा, देख लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी 150 सेंटीमीटर के अंदर आकर खड़ा हो जाए या जो भी चीजें उसकी आंख से 150 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर होंगी वो उसको धुंधली दिखाई देंगी। मतलब साफ है कि वस्तु चाहे जहां रखी हो इमेज अगर 150 सेंटीमीटर पर बनती है तो वो देख पाएगा। अब उन्होंने बोला कि यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, बात सही है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। 150 सेंटीमीटर ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, हमारी आंख से 100 सेंटीमीटर दूर इतनी दूर पड़ता है, उसके बाद 50 सेंटीमीटर और आगे ले जाइए तो 150 सेंटीमीटर हुआ। अब वहां का उसको दिखता है तो कोई भी आदमी 150 सेंटीमीटर दूर रख के पुस्तक तो नहीं पढ़ेगा ना, पुस्तक पढ़ने के लिए तो हमेशा पास में रखते हैं, तो वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रख के पुस्तक को भी पढ़ ले, तो कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उसको लगाना पड़ेगा। अब आप बताएं एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो वस्तु रखी है उसका इमेज कहां बन जाए जाकर के, 150 सेंटीमीटर पर, और बड़ी आसानी से वो फिर पुस्तक को पढ़ लेगा क्योंकि 150 सेंटीमीटर का उसको दिख जाता है। तो यू हमको कितना लेना चाहिए, -25 सेंटीमीटर, और वी कितना लेना चाहिए, -150 सेंटीमीटर। कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उसको लेना पड़ेगा, F = ? हम लेंस फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, 1/f = 1/v -1/u। इसे भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब में कैलकुलेशन कर करके आपको दिखाए हैं और ये सिंपल सा कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लेने का प्लीज ये आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपको कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। हाँ, फोकस दूरी कितनी आएगी आंसर मैं बता दे रहा हूं,
इससे जब आप सॉल्व करें तो आपको आसानी रहे। आंसर आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। और वैसे भी दूरदृष्टि दोष का निवारण हेतु हम उत्तल लेंस ही तो लगाते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो प्लस 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी से, फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का उसको प्रयोग करना चाहिए और बड़ी आसानी से उसका यह दोष दूर हो जाएगा। कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस। फोकस दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। आपको यह कैलकुलेट करना है और यह हमने लगा लिया क्वेश्चन नंबर 14। आपने जो न्यूमेरिकल लगाए हैं कल और आज में, यह हमने न्यूमेरिकल लगाए हैं ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में कुछ नया नहीं मिल रहा है हमको, समझ रहे हैं ना? और जो कुछ मिल रहा है वो अभी आप करीब करीब सीख चुके हैं, इसलिए अब हम ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं। कल अब हम इस लेसन के न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हमारे जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे वो होंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल में बस इतना ही करेंगे हम लोग, 14 न्यूमेरिकल ही लगाएंगे और 14 न्यूमेरिकल में भी सब कुछ देखने को मिल गया आपको करीब करीब। और अभी क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो आप ज्यादा उसको बढ़ा करके समय को वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है हमको। तो अगले दिन से जब हम मिलेंगे अगली क्लास में तो हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो होंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है? तो आप प्लीज थोड़ा सा इस लेसन के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करके आइएगा, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स लगाने में और आपको समझने में बड़ी आसानी रहे, ठीक है? अच्छा, आपने एक चीज गौर किया है, जो आज कितनी तारीख आपने बताई थी मुझे? 23। कल कितनी तारीख थी? 22। अगर हम बिना डैश लगाए लिख दें 22 फरवरी 2022, तो आपको नहीं लगता 22 फरवरी 2022? आप सीधा पढ़िए, उल्टा पढ़िए, अगर अक्षरों को सही से लिख दिया जाए तो एक ही डेट को इंडिकेट करते हैं। देखिए आप 22/2/2022, अभी उल्टा आइए 22/2/2022। खैर, ये छोटी सी चीज थी, आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे और कल के दिन अगले लेसन के न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।